टीवी इंडस्ट्री के बड़े चेहरे और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। मुंबई के कपूर अस्पताल ने सिद्धार्थ शुक्ला के हार्ट अटैक से निधन होने की पुष्टि की है। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाएं खाई थी, लेकिन उसके बाद वह उठ ही नहीं पाए। अस्पताल में बाद में पुष्टि की कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने से हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शोक में है। तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियां द्वारा सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुंबई में सिद्धार्थ के आवास पर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का आना जारी है। हर कोई अपने फेवरेट अभिनेता को याद कर रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे अपनी माँ और दो बहनों को छोड़कर गए हैं। कपूर अस्पताल के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को गुरुवार सुबह जब अस्पताल लाया गया तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के शव को सुबह उनके परिजन ही कपूर अस्पताल ले गए थे। कपूर अस्पताल में ही सिद्धार्थ को पोस्टमार्टम किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद पुलिस इस मामले को करीब से देख रही है। पुलिस को अभी तक निधन को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं दिखाई दी। हालांकि पुलिस अभी भी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सिद्धार्थ शुक्ला की पीआर टीम ने हर किसी से अपील की है कि वह किसी तरह से अफवाह ना उड़ाएं और परिवार को इस मुश्किल माहौल में कुछ समय दें। टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था। इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था। सीरियल बालिका वधु से सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। बिग बॉस 13 से मिली सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ उनका कनेक्शन सोशल मीडिया पर छाया रहा। हाल ही में सिद्धार्थ और शहनाज की कई म्यूजिक वीडियो भी आई थी, जिन्हें यूथ ने काफी पसंद किया। मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। साल 2004 में उन्हें टीवी से अपनी एक्टिंग डेब्यू किया था। 2008 में बाबुल का आंगन छूटे ना नाम के टीवी सीरियल में दिखे थे, लेकिन उनकी असली पहचान बालिका वधु सीरियल से बनी थी, जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया था। टीवी इंडस्ट्री में सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड का भी रुख किया। साल 2014 में आई हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में भी दिखाई दिए। इसी साल 2021 उनकी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल नाम की वेब सीरीज आई थी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। टीवी इंडस्ट्री की तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख व्यक्त किया गया है। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शोक व्यक्त किया। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी ट्वीट कर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख व्यक्त किया। कपिल शर्मा ने ट्वीट किया है कि सिद्धार्थ के निधन की खबर हैरान करने वाली है, उनके परिवार और फैंस के प्रति संवेदना। डायरेक्टर फराह खान ने भी ट्वीट कर लिखा कि क्या ये साल इससे भी बुरा हो सकता है, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर हैरान करने वाली है। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर पर दुख व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।